निर्भया गैंग रेप केस में तारीख पर तारीख मिलने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। नए डेथ वारंट में निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले निर्भया के दरिंदों को 30 मार्च को फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया था। दोषी पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी, जिसे कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी। पवन की दया याचिका लंबित होने के चलते ही 3 मार्च को होने वाली दरिंदों की फांसी टल गई थी। वहीं पवन की अर्जी खारिज होने के बाद ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी की नई तारीख के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगा दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई के साथ चारों दरिंदों पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और मुकेश सिंह के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं। निर्भया के परिवार की ओर से वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि चारों दोषियों ने अपने सभी कानूनी अधिकार को इस्तेमाल कर लिया है। आज जो तारीख तय हुई है वही अंतिम तारीख है। पवन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुधारात्मक याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। इसके बाद पवन के पास सिर्फ दया याचिका का विकल्प बचा था। नियमों के अनुसार दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को फांसी पर लटकाने से पहले 14 दिन का वक्त मिलता है। इससे पहले दोषियों की फांसी 3 बार टल चुकी है। पहले 22 फरवरी, फिर 1 फरवरी और 3 मार्च को फांसी टल चुकी है। न्यूज़ डेस्क।